आज हम जा रहे हैं ननकाना साहिब से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब। अब हमारी बस निकल चुकी है गुरुद्वारा ननकाना साहिब से करतारपुर की ओर। आप देख सकते हैं अब रास्ते में कुछ देर के लिए लोग रुके थे, उसके बाद फिर से हमारी शहर के बीचों बीच से होते हुए हमारी बसें दौड़ते हुए जा रही हैं। आप देख सकते हैं रास्ते में आपको ट्रक, बहुत खूबसूरत ट्रक जो दिखाई देंगे। ये पाकिस्तान की खासियत है कि पाकिस्तान में जो ट्रक हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको सजाया जाता है और बसेस भी उसी तरह से। बस देख सकते हैं ये भी बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने डेकोरेशन की है इस बस की। इस रास्ते पर आपको चेक पोस्ट बहुत मिलेंगे क्योंकि करतारपुर साहिब जो है वो बॉर्डर एरिया है, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। जगह जगह पर चेक पोस्ट बने हुए। चेक पोस्ट होते हुए हमारी बस बढ़ रही है करतारपुर साहिब की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं करतारपुर साहिब मेन एंट्री पर। यहां पर हमारी बस को रोक लिया जाएगा और यहां से चेकिंग करने के दौरान हमें दूसरी बस में बिठाकर अंदर ले जाया जाएगा। अब सभी यात्री लाइन में खड़े हो चुके हैं। चेकिंग करने के बाद हमारा सामान चेक किया जाएगा क्योंकि ये बॉर्डर एरिया होने के। अब हम बैठ चुके हैं दूसरी बस जो इन्होंने हमें प्रोवाइड की है, उस बस में। अब हम चेक कराने के बाद पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा करतारपुर साहिब। अब सभी साथी अपना अपना सामान लेकर जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब की ओर। अब गुरुद्वारा साहिब में एंट्री करते ही बाईं ओर हमें जूते उतारने हैं, उसके बाद सामने एंट्री करते ही यहां पर उन्होंने मॉडल बना रखा है गुरुद्वारा साहिब का और दाईं ओर सरोवर है। आप देख सकते हैं ये सामने ही इन्होंने गुरुद्वारा साहिब का मॉडल बना रखा है। अभी करतारपुर साहिब का जो काम है, एक कॉरिडोर बना है, अभी दो और बनेंगे। यहाँ पर एक 5-स्टार होटल भी बनेगा और ट्रेन की जो बंदोबस्त है वो भी किया जाएगा। अब इसकी बाई ओर जोड़ा घर बना हुआ है, वहां पर हम जूते जमा कराकर। यहाँ पर जूते पहनकर घूमना बिल्कुल मना है, इन्होंने अपने ही चप्पलें रखी हुई है सिर्फ लंगर हाल की तरफ। अब हम यहाँ पर अपने जूते जमा कराएंगे और यहाँ से नंगे पांव ही हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जा रहे हैं अपने कमरों की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दाईं ओर सरोवर बना हुआ है, मेन एंट्री की दाईं ओर ही सरोवर है। सरोवर का पानी आप देख सकते हैं बहुत ही साफ सुथरा पानी है, बहुत खूबसूरत दृश्य है इस सरोवर का। ये जो कुआं आप देख रहे हैं यहीं से गुरु नानक देव जी अपने खेतों को पानी दिया करते थे, यही वो कुआं है। यहाँ पर बैल जोतकर यहीं से पानी, अब यहाँ पर आरओ सिस्टम लगा दिया गया है। इसी कुएं से अब पूरे गुरु घर को पानी है वो सप्लाई किया जाता है। इसके साथ में ही आरओ सिस्टम लगा हुआ है। ये जो आप सामने चीज देख रहे हैं ये है बम। ये 1971 की जंग में इंडियन आर्मी के द्वारा फेंका गया था और ये बम इसी तरह कुएं में गिर गया था और वहाँ पर वो विस्फोट नहीं हुआ, उन्होंने इसी तरह से संभाल कर इसे रखा गया है। अब करते हैं इस गुरु घर के इतिहास की शुरुआत। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब गुरु ननकाना देव गुरु नानक देव जी की स्मृति नारोवाल जिले पाकिस्तान शकरगढ़ नारोवाल रोड पर स्थित है। गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर साहिब लाहौर से 120 किलोमीटर दूर है। जब श्री गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान अपने परिवार से मिलने के लिए तलवंडी राय भोई आए तो परिवार से मिलने के बाद
तलवंडी से रावी नदी की ओर जाते हुए गुरुजी रावी के दाहिने किनारे पर पखोवाल नगर के पास एक रमणीक स्थान पर रुके और वहीं पर ज्योति जोत समा गए। 1521 ईस्वी में इस स्थान पर गुरु घर की नींव रखने के बाद इसका नाम करतारपुर साहिब रखा गया। श्री गुरु नानक देव जी ने इस स्थान को धार्मिक उपदेश और शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित किया। आप दर्शन कर सकते हैं इस गुरु घर के। ये जो सामने आप मजार देख रहे हैं, ये वह मजार है जब गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समाए तो उन्होंने एक चादर जो थी उनके पास, उस चादर के सिख और मुसलमानों ने दो टुकड़े कर लिए। सिखों ने उस चादर का संस्कार कर दिया और मुसलमानों ने उस चादर को इस जगह पर दफना दिया। ये जो मजार बनी हुई है बिल्कुल गुरु घर की एंट्री पर बनी हुई है। यहीं पर लोग नतमस्तक होते हैं, उसके बाद में गुरु घर में दाखिल होते हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग, ये अंदर भी एक बना हुआ है, मुसलमान भाइयों ने बनाया हुआ है गुरु घर के बिल्कुल नीचे। अब हम चलते हैं गुरु घर के दर्शन करने ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़कर। ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है, आप देख सकते हैं नीचे वो मजार और ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब। यहाँ पर मुसलमान और सिख भाइयों का आपसी जो प्रेम है वो दिखाई देता है। आप देख सकते हैं सभी संगत अब गुरु घर के अंदर बैठकर, अब संगत आ चुकी है गुरु घर के बाहर। आप देख सकते हैं गुरु घर का बाहर का दृश्य। ये बहुत बड़े इलाके में ये गुरु घर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं ये सामने सभी लोग अपनी तस्वीरें ले रहे हैं यादाश्त के लिए। ये सामने जो आप ग्राउंड देख रहे हैं इसकी उस पार बॉर्डर बना हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। ये यहाँ के लोकल बसिंदे हैं, इनको यहाँ पर आने के लिए 9 बजे से लेकर 4 बजे का समय जो निश्चित किया गया इस गुरु घर में, जो भी संगत दिन के समय आती है वो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक उनको वापस जाना होता है। आप देख सकते हैं गुरु घर का अंदर का दृश्य, बहुत खूबसूरत लाइटिंग आप देख सकते हैं। रात का दृश्य है, रात में भी इस गुरु घर में खूब लाइटिंग की हुई है यहाँ के प्रबंधक के द्वारा। ये बहुत ही रात का दृश्य खूबसूरत आपको दिखाई देगा। अब जा रहे हैं हम लंगर हाल की ओर, लंगर छकने के लिए सभी लोग अपने अपने बर्तन उठाकर लंगर की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस गुरु घर का लंगर जो लंगर हाल है बहुत ही साफ सुथरा, आप देख सकते हैं यहाँ कितनी सफाई है इस लंगर हाल में। सामने बर्तन धोने के लिए बहुत लेटेस्ट जो टेक्निक है लंगर हाल में इस्तेमाल की गई है। अब हम फिर से वापिस आ चुके हैं गुरु घर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर रुकने का 2 दिन का टूर था इसीलिए गुरु घर के दर्शन सुबह और शाम। अब हम जा रहे हैं मार्केट की ओर। यहाँ पर एक मार्केट बनी हुई है, वहाँ पर सिर्फ महज 20 या 25 दुकानें बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो यात्री हैं वो कपड़ा खरीद रहे हैं। यहाँ पर कुर्ते पजामे का कपड़ा बहुत मशहूर है, उसका नाम है बोस्की। ये सभी लोग उसी की तलाश में एक से दूसरी दुकान पर घूम रहे हैं ताकि अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिल सके। ये आप सामने मार्केट देख सकते हैं। अब हम दूसरी दुकान पर आ चुके हैं, यहाँ पर फिर से कपड़े देख रहे हैं कि किस दुकान पर अच्छा और सस्ता कपड़ा मिलेगा। वैसे आप सामने देख सकते हैं ड्राई फ्रूट की भी दुकानें यहाँ पर हैं, ये पंजाबी जूती आप देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो भी यात्री आते हैं वो पंजाबी जूते और कुर्ते पजामे का कपड़ा ही लेकर जाते हैं या फिर ड्राई फ्रूट। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लेडीज़ जूते हैं पंजाबी, बड़ा मनमोहक दृश्य है इन दुकानों का। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी दुकानें सजाई हुई हैं। अब हम देखते हैं ड्राई फ्रूट की दुकान पे पहुँचे, ये बाबा जी कुछ खरीद रहे हैं। यहाँ का कुछ अलग ड्राई फ्रूट है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा ये क्या बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं सभी लोग अब एक दुकान पर बैठ के अभी उससे बार्गेनिंग हो रही है कपड़े की। यहाँ से हमने बहुत सारे कुर्ते पजामे के कपड़े खरीदे हैं, उसका नाम है बोस्की। अब हम पहुँच चुके हैं फिर से गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग में। ये आप इमारत देख रहे हैं, यहीं पर हम रुके हैं। बहुत ज़्यादा विशाल बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। ये सामने बॉर्डर एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर फेंसिंग लगी हुई है बिल्कुल। ये यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, यहीं पर गुरु नानक देव जी खेती करते रहे हैं। अब यहाँ पर एक अमरूद का बाग लगा हुआ है और खजूर के पेड़ भी हैं आप देख सकते हैं। इसी स्थान पर गुरु नानक देव जी अपने समय के दौरान खेती करते रहे। अब हम जा रहे हैं उस पहाड़ी की ओर, ये आप देख सकते हैं ये LOC है। यहाँ से आपको सामने ये रावी नदी दिख रही है, इसके उस पार करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, थोड़ी दूर आपको दिखाई देगा। अब फिर से हम पहुँच चुके हैं गुरु घर के अंदर, शाम का समय हो चुका है। फिर से लोग गुरुद्वारा साहिब में आ चुके हैं और कीर्तन का आनंद ले रहे हैं।
अब सभी लोग बाहर आ चुके हैं, गुरु घर के दर्शन बाहर से कर रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, सभी लोग अपनी अपनी तस्वीरें ले रहे हैं यादाश्त के लिए कि पाकिस्तान की यादें अपने कैमरे में समेट रहे हैं सभी लोग। अब गुरु घर में कीर्तन चल रहा है, फिर से सभी संगत फिर से गुरु घर के दर्शन करने जा रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं जितनी बार भी गुरु घर के दर्शन कर लें उतने ही कम है। सभी लोग अपनी यादों को समेटते हैं अपने कैमरों में। अब यहाँ के लोग हमें अलविदा कह रहे हैं, आप देख सकते हैं ये भाई लंगर में सेवा भी कर रहे थे जाते समय। अब हम जा रहे हैं, यहाँ से सीधा जाएंगे हम लाहौर और उसके बाद में हमारी समाप्ति हो जाएगी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अब लाहौर की और हमारी बस रवाना हो चुकी है, फिर अगली वीडियो में आपको लाहौर के दर्शन करवाएंगे गुरुद्वारा डेरा साहिब के।